जो पूरे के पूरे उलमाए हक के नजदीक मुर्तद हैं, काफिर हैं, खारिज अनिल इस्लाम हैं, और हमारा निकाह, हमारी बच्चियों का निकाह ऐसे मुर्तद और काफिर लोगों से नहीं हो सकता। सही बात है नहीं? ये सरजील साहब भी उसके सरगना हैं, ये उसके मुबल्लिग हैं। हम लोगों को इस वक्त फौरी तौर पर पता चला, जिसकी बुनियाद पर ये कार्रवाई हमको मजबूरन करनी पड़ी, मजबूरन करनी पड़ी। हमें कुछ नहीं मालूम था, आपको पहले ही बताना चाहिए था कि हम शकील बिन हनीफ के मानने वाले हैं और शकील बिन हनीफ के मुबल्लिग हैं। आपने बताया था, किसको बताया था? लड़की को बताया। लड़की को बताया? कोई बताया नहीं है। कोई बताया नहीं है आपको? बताया? ये भाई है, इनके भाई है। ये गार्जियन को बताए? बताए कोई नहीं, गलत बात है। एक मिनट अभी आगे मालूम पड़ेगा, आपकी बहन को फोन लगाइए। फोन लगाओ, पूछो तो कि इन्होंने बताया है कि आपको। इधर लगता है ना, आपके साथ और कौन है? आप है और ये, और कौन है? आप भी। और कौन है? आपका। और कौन? आप भी। और आप भी हो, यानी ये सारे के सारे उसी में से हो। हाँ, ये भी वो भी सब मुबल्लिग हो। हाँ, शकील बिन हनीफ। अच्छा, शकील बिन हनीफ को आप लोग नबी मानते? नहीं, नबी नहीं मानते। जो अभी वो कहा, अरे वो बच्चा है, उसको ट्रेनिंग चल रही है। हाँ, बस यही समझ लो, ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग चल यही समझ लो। आपको अब मुंह में अल्फाज डालने तो बोलो। अब आपको मुंह में अल्फाज डालने में रहे तो बोलो। नहीं करना है, नहीं करना है। नहीं, तुमने धोखे में रखा क्यों? धोखे में क्यों रखा? नीचे बैठो जरा, ठीक है? तो होशियार मत बनो आप। नहीं, होशियार की बात? हाँ, बिल्कुल नहीं होशियार, नहीं होशियार बनने का। हाँ, ये सारे उम्मत के एकदम बिल्कुल ईमान को खत्म करने के चक्कर में पड़े हुए हो, बेवकूफ कहीं के। चलो जरा एकदम खामोश बैठना, ज्यादा कुछ बोलना नहीं अभी। सही बात है, आपको मालूम है? आपको मालूम है इन लोगों के बारे में? तो पूरा नहीं मालूम था? हाँ, आप लोगों को मालूम था? आप लोगों को मालूम? हाँ जी, मालूम। सब रिश्तेदारों को मालूम है? इनके सब रिश्तेदारों को मालूम है? अभी लड़की से बात हुई, लड़की ने ये कहा है कि मुझे नहीं बताया गया है। अरे क्या मालूम है बच्ची को? उसको क्या मालूम? मालूम है उसको? बोले कि हम लोग ईसाई लोगों के, ईसा अलैहि सलाम के ईसाई है, पैरवी कर रहे हैं। बताइए, उसको नहीं मालूम है बच्ची को? तो देखा आप, हमारी बच्ची का हो नहीं सकता, तो आपको भी सपोर्ट नहीं करना है, बस ये इनको रुखसत कर। नहीं नहीं नहीं, जब इतना खर्चा जो करवा दिया ये सदर साहब, खर्चा हम लोग का भी होता है। एक तो चुप रहो, तुम जान बुझ कर किए हो, हम बोला अनजाने में किए। आइए इधर आइए, लड़की की तरफ से कौन है? ये भाई है सगे, और मैं भी हूँ। डॉक्टर अनस है, इनके चचा भाई है, सगे भाई है, ये सगे भाई है। आप दोनों क्या चाहते हैं? जब ये मुर्दा नहीं, नहीं निकास, उससे सवाल नहीं आता है। निकास सवाल नहीं आता है, मुनासिब बात है ही नहीं जी। क्या हम ये खारजी है? आप बिल्कुल गैर मुस्लिम है, खारजी हो आप लोग। टीका का सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं है। हाँ ठीक है, अब आपका दोनों का क्या ख्याल है, क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही है। इनको ऐसे ही वापस करना है, जैसे सदर साहब कह रहे हैं वापस कर देना, या कुछ नहीं, कुछ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने हमको धोखे में रखा है, कार्रवाई की जाए इसके आगे।
धोखे में आ गया। ये निकाह असल में अल्लाह की तरफ से खैर का मामला था। ये निकाह होना था नवंबर के महीने, अक्टूबर में, नवंबर में, तो इनके वाली साहब का इंतकाल हो गया। और इंतकाल होने के बाद में अल्लाह ने 4 महीना 10 दिन की मोहलत दी, मोहलत दी। और ये आखिरी वक्त में जो है अल्लाह की तरफ से खैर, मैं हमारी बहन को भी बोल करके आया हूँ कि अल्लाह की तरफ से खैर मेरी जरिए बहुत सारा उसके अंदर आया। मुसीबत की बात की।